Hey guys, पिछले बार हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक बेसिक प्रोग्राम देखा था जो कि उस बल्ब को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देता है, और उसमें हमने फंक्शन का कंसेप्ट भी देखा था बेसिक तरह से। तो इस बार हम उसको थोड़ा और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ बेसिक कैलकुलेटर भी बनाने सीखेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, मैंने D4 का ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा है, उसके अंदर मैं index.html फाइल, देन दूसरी फाइल आप लोगों को पता होगी कौन सी, script.js, ठीक है। तो ये दोनों मैंने बना दी। अब यहाँ पे आता हूँ, ये कोड जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट वाला ऐड करना है, तो मैं स्क्रिप्ट सोर्स में कौन सा, script.js, वो नज़दीक है उसके पास, इसलिए मैंने डायरेक्टली script.js लिखा। अगर किस फोल्डर में होता तो फोल्डर का नेम /script.js ऐसे आता। तो अभी हम काम करते हैं यहाँ पे, अभी हम डिवीजन बनाते एक, देन उसको हम क्लास देते हैं, क्लास मेन करके दे देता हूँ मैं। और हाँ, मैं अलग से css नहीं बनाऊँगा, यहाँ पे ही कर देता हूँ क्योंकि वो बड़ा प्रोग्राम तो नहीं बनाने वाले हम। तो यहाँ पे स्टाइल करके बनाया, उसके बाद आगे डॉट मेन, ये मैंने क्लास बनाई उसकी, और इसकी जो हाइट है वो रखेंगे हम ऑटो। उसके बाद हम विड्थ जो रखेंगे वो रहेगी, याद रखना, 100%। बैकग्राउंड कलर मैं ग्रे करके दे देता हूँ, अभी हाइट ऑटो होने की वजह से कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम और एक अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाद में देखते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हो गया, उसके आगे हाँ और एक बचा है हम मार्जिन, एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिखते हम लोग, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करते हैं हम यहाँ पे, स्टार डाल के मार्जिन 0 pixel, तो एक्स्ट्रा जो मार्जिन होते हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद डिवीजन, और ये हमारा ऊपर से अंदर वाला पोर्शन रहेगा जो कि कैलकुलेटर स्ट्रक्चर, तो ये क्लास मैंने बना दिया, उसको यहाँ पे डिज़ाइन कर देता हूँ। इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी, पकड़ लेना, 400 pixel, और विड्थ भी हम वही कर देते हैं, विड्थ भी 400 pixel। इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग वाइट कर देते हैं, और अगर सेव करके हम एक बार इसका आउटपुट देखेंगे एक्सप्लोरर, और इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देखना, तो ये ग्रे पार्ट कौन सा है, मेन वाला, और ये पार्ट है कैलकुलेटर स्ट्रक्चर। तो उसको बीच में लाने के लिए हम क्या करते हैं पता होगा आप लोगों को, मेरे अगर सीरीज फॉलो की होगी तो। सो उसके लिए हम मार्जिन ऑटो करते हैं, और यहाँ पे हम पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग 10 pixel। सेव करता हूँ तो देख सकते हो होगा क्या, मैं रिफ्रेश करूँगा तो बीच में आएगा मार्जिन ऑटो से, और पैडिंग के वजह से ये ऊपर और नीचे से यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होगा, सो उससे थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। सो दोनों, उसके बाद इसके अंदर भी हम डिवीजन बनाते हैं, यहाँ पे ये चाहिए तो क्लास कर देते हैं। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे समझ लो कि दो बॉक्स रहेंगे इनपुट, उसके बाद नीचे चाहिए तो आप लोग आंसर देख सकते हो, और प्लस साइन भी देखना होगा। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, यहाँ पे हमें एक काम करते हैं, चल जाएगा वैसे भी, कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं एक क्लास डालता हूँ, ये होगा लेफ्ट, नहीं लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, तो हमने सिर्फ डिवीजन बनाया एक। सो इसमें क्या रहेगा, पूरा का पूरा सारा का सारा कैलकुलेटर बॉक्सेस रहेंगे सारे, ठीक है। मैं डिज़ाइन ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी है ना कि CSS, तो हम
आप लोग एक काम करो, आपको जैसे चाहिए वैसे डिज़ाइन करो, तो ये इसकी जो विड्थ रहेगी वो भी रहेगी 100%, देन हाइट रहेगी वो रहेगी ऑटो। इसका चाहिए तो आप लोग बैकग्राउंड कलर रख देना, समझने के लिए सिर्फ बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देता हूँ। उसके बाद इसको भी चाहिए तो पैडिंग दे देना, पैडिंग ऊपर और नीचे से 10 पिक्सल, साइड साइड से 5 पिक्सल। सो और ये चाहिए तो हाइट ऑटो से अच्छा है हम 100 पिक्सल कर देते हैं, इससे भी काम बन जाएगा। ये हमने बनाया, हमें यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये ग्रे होने के वजह से वैसे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे पैडिंग दी है मैंने, एक्चुअली यहाँ पे हमें मार्जिन पैडिंग यहाँ पे नहीं देनी थी, हमें एक्चुअली वो यहाँ पे देनी थी। अभी देखते हैं, अभी देखो हो गया। तो हाइट तो ज़्यादा हो रही है, या फिर रहने दो कोई बात नहीं, इसके अंदर हम बॉक्सेस बना लेते हैं, बाद में देखते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो डिज़ाइन में। सो ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्म रहेगा, तो मैं फॉर्म कर देता हूँ। फॉर्म के अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं। सो यहाँ पे इनपुट टाइप ये रहेगा टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। वापस से बीच में एक स्पैन हम डाल देते हैं, स्पैन जिसको हम क्या करते हैं आईडी देते हैं। यहाँ पे हमारा साइन रहेगा, और वापस एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। पहले हम देख लेते हैं कैसे रिजल्ट आ रहा है, इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। अगर आप लोगों को उनकी हाइट बढ़ानी है तो वो भी कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ उनकी हाइट बढ़ा देता हूँ। तो ये यहाँ पे इनलाइन सेसेस लिख देता हूँ मैं, इसकी जो हाइट रहेगी वो हम 50 पिक्सल कर देते हैं, देखते हैं ज़्यादा ही हो रहा है 50 पिक्सल 30 ये ठीक रहेगा। देन और क्या चाहिए हमें, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, विड्थ हाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, फिर रखनी पड़ेगी। ये पकड़ लो 30x30 कर देते हम, विड्थ तो होगी, हाइट भी डाल देते हम लोग, हाइट इतने हो गया 30 पिक्सल। और ये भी मैं क्या कर देता हूँ, स्टाइलिंग सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अभी देखते हैं रिजल्ट। इसकी हाइट एंड विड्थ ये रखने के बाद भी पिक्सल है, ये भी पिक्सल ही है, HIGST विड्थ ठीक ही लग रहा है, बाद में देखते हैं। यहाँ पे मैं प्लस साइन डाल के देखता हूँ, आ तो रहा है लेकिन मैंने 30x30 पिक्सल इसको स्टाइल दिया तो ये उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। और एक काम करना हमें, यहाँ पे फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट राइट की तरफ, ताकि थोड़ा और भी अच्छा दिखाई दे। ये अभी साइन जो है वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही एक प्रॉब्लम है। अगर इनको अच्छी तरह से मैनेज करते पहले से ही तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। फिलहाल एक काम करते हैं, ये जो स्पैन है इसको मैं राइट क्लिक करके देख ले तो क्या गड़बड़ है। हाइट एंड विड्थ तो दे दिए मैंने, पता नहीं क्या गड़बड़ है। फिर एक काम करते हैं, डिवीजन ही लिख देते हैं, डिवीजन। लेकिन डिवीजन लिखने के बाद होगा क्या प्रॉब्लम,
ये नीचे चला जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो इसको भी हम मैनेज कर देते हैं, कोई बात नहीं, अभी ठीक है। अभी हम काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन करते हैं। सो सेव, यहाँ पे के रिफ्रेश करूँगा तो ये काम कर रहा है, ठीक है। और इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर करता हूँ, देखता हूँ ये आईडी है। सो इन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, सॉरी इनलाइन ब्लॉक, इससे काम बनेगा। हाँ, अब ये 30 पिक्सल हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं इसको पैराग्राफ में डालते हैं या फिर H4 में डालते हैं, कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, सेव। तब ये H4 में है, अब ये सेंटर में हो सकता है, तो इसको हम काम करते हैं यहाँ पे ही टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, हो गया। लेकिन हमें विड्थ और चाहिए, सो ये विड्थ में गया मैं 50 पिक्सल करके देखता हूँ, 40, ये भी ठीक है। और फॉन्ट साइज भी बढ़ाएंगे हम लोग, सो फॉन्ट साइज के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, अभी ठीक है। और आंसर यहाँ पे और एक बॉक्स बनाता हूँ मेल, सो यहाँ पे, या फिर एक डिवीजन बनाते हैं, डिवीजन के अंदर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको चेंज नहीं करना हमें। सो यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ इसको, क्लास ANS करके दे देता हूँ, ये कॉपी करके यहाँ पे डॉट करके डाल दिया। जो विद रहेगी वो 100% कर देते चाहिए तो। उसके बाद हाइट, इसके हाइट 30 पिक्सल, और जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो भी हम वाइट कर देते हैं, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इस कॉल बॉक्स के अंदर भी हम एक काम करते हैं, पैडिंग दे देते हैं, तो इससे क्या होगा आप लोग देखोगे, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, पैडिंग से काम नहीं बन रहा है। 1 पिक्सल करके देखता हूँ मैं, अभी ठीक ठाक तो लग रहा है, 5 पिक्सल, यू नो शिफ्ट हो जा रहा है उस तरफ ना, तो पैडिंग मत देना, जरूरत तो नहीं लग रही है। हाँ, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड दे दिया, दे देता हूँ मैं पहले, ये हो गया। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन फ्रॉम टॉप कर देते हैं 10 पिक्सल, और इसकी हाइट भी बढ़ा देते हैं, हाइट 50 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया। अभी बटन चाहिए हमें, सो बटन्स के लिए ऊपर से नीचे आता हूँ, ये कॉल बॉक्स के अलावा यहाँ पे और एक डिवीजन बनाता हूँ, इसकी जो हाइट रहेगी, हमने कॉल बॉक्स की कितनी हाइट रखी थी, 100, सो 300 इसकी रहेगी, क्लास, और ये हमारा रहेगा BTNs, और सारे BTNs यहाँ पे ही रहेंगे, बटन्स मतलब। सो
यहाँ पे हम लोग बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप ही बनाना, टाइप बटन, और उसकी जो वैल्यू है वो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे वन। तो पहले आउटपुट देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये बटन्स करके जो है वो मैंने अभी तक बनाया नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम बना देते हैं बटन्स। इसकी क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, वो ग्रे कर देते हैं, और इसको मार्जिन हम कर देते हैं 5 पिक्सल सब जगह से। देखते हैं रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, अभी तक इसकी जो हाइट है वो बाद में देखते हैं, विड्थ को विड्थ भी नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वैसे भी। हाँ, तो वन हो गया, उसके बाद टू, और ये थ्री और फोर, ऐसे चार एक साथ आने चाहिए, तो एक साथ ही करेंगे हम लोग वैल्यू वन, ये टू, ये थ्री। लेकिन आगे मैं क्या कर देता हूँ, प्लस साइन डाल देता हूँ, सिर्फ चार रो में ऐसे चार आएंगे। तो इनको मैं चाहिए तो यहाँ पे क्लास देता हूँ BTNs। सो ये क्लास में सबको एक साथ अप्लाई कर देता हूँ, तो कंट्रोल डी, और यहाँ पे मैंने एक साथ अप्लाई कर दिया, इसको भी आ गया, तो ये निकाल देते हैं। और BTNs हमें बनाना पड़ेगा, सो ये मैंने कॉपी किया, और सॉरी BTNs का क्लास ऑलरेडी है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने, ऑल BTNs कर देता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे ऑल BTNs। तो इसकी मैं जो विड्थ रहेगी वो सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल, हाइट रहेगी 100 पिक्सल। देख लेते रिजल्ट कैसा आ रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं 50 पिक्सल दे देते हैं, 50 50। विड्थ में हमें चेंज करना होगा, तो विड्थ में हम 70 करके देख लेते, 80, 90 बचा है, हाँ अभी ठीक ही लग रहा है। इनको हम काम करते हैं मार्जिन दे देते हैं, तो जी अप एंड डाउन से हम लोग सब जगह से 10 पिक्सल लेके देखते हैं, नीचे चले गए ना, क्योंकि इनकी जो विड्थ है वो कम करनी पड़ेगी हमें, या फिर यही कम कर देते हैं। हाँ अभी तो ठीक ही लग रहा है, इसकी विड्थ हम लोग या फिर पैडिंग जो है वो हम बढ़ा देते हैं 6, पैडिंग में मार्जिन एक्चुअली वो अभी ठीक लग रहा है। अभी ये जो बटन्स रहेंगे उनके अंदर भी जो टेक्स्ट है उनको भी चेंज करना है, तो फॉन्ट साइज 10 पिक्सल से नहीं काम बनेगा, एक्चुअली 30 पिक्सल लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, बाकी जो बटन्स बचे हैं उनको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट, और ये रहेगा 4, ये 5, ये 6, और ये माइनस, तो यहाँ पे ये 7 8 9, और इसके साइड में क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन, तो हमें एक्स डालना है। सेव करते हैं या फिर रिफ्रेश करके देखेंगे तो ऐसा आ रहा है। बाकी वापस से हमें क्या करना है, इन चारों की कॉपी करनी है नीचे, ये हम कैलकुलेटर में ही देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, देख
माइनस दोनों हैं तो ये हम कट वही लिख देते छः, तो प्लस और नीचे माइनस, तो वैसे तो नहीं होगा। हम यहाँ पे काम करते हैं सी कर देते, मतलब क्लियर के लिए, और ये रहेगा ज़ीरो, ये रहेगा डॉट, और जो बचा है वो रहेगा डिवाइड। रिफ्रेश करके देखते हैं सी एक्चुअली क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा बन गया है बटन, तो ये माइनस वाला अभी ठीक है, सही बन गया। कैलकुलेटर तो बन गया, लेकिन अभी बहुत ही देर तक लेक्चर चालू है, इसलिए मैं अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।